हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल सिंपली फूड एंड फ्लेवर्स में। आज मैं बनाऊंगी एक झटपट से तैयार हो जाने वाली सुपर सख्त बहुत ही मॉइस्चर इडली बनाना दिखाऊंगी। इसके लिए ना ही हमें दाल चावल को भिगाना है, ना ही पीसना है, झटपट से तैयार करेंगे इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बनाना। आलू की इडली बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं दो आलू ली हूँ, उसको छील लेते हैं। और यहाँ पे मैं सारे आलू को ऐसे छील ली हूँ और उसको कट कर लेंगे, रफली कट करेंगे। और यहाँ पे मैं काट ली हूँ और उसको एक पानी की बर्तन में निकाल देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक जार में निकाल देंगे आलू को। अब उसमें डालेंगे हम लोग तीन हरी मिर्ची, इसको डंठल को निकाल लेंगे और डाल देंगे। और यहाँ पे एक टुकड़ा अदरक ली हूँ, उसको डाल देंगे इसे कट करते हुए। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं पीस के लेके आती हूँ और यहाँ पे मैं अच्छे से पीस के लेके आई हूँ, ये देख सकते हैं अच्छे से पीस गया है। एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब उसमें डालेंगे दो कप सूजी या रावा, ये बारीक वाला सूजी है ये देख सकते हैं। आपके पास में मोटी वाली सूजी हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी चला लेते हैं ग्राइंडर में चला देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हो गया है और यहाँ पे दो कप सूजी यहाँ पे ले ली हूँ। और जितना मात्रा में हम लोग सूजी डालेंगे उतना उसका आधा हम लोग डालेंगे दही। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप दही, ये जो कटोरी ली थी उसका आधा है ये, तो आधा कटोरी दही ले लेंगे। एक ही हिसाब से हम लोग दो आधा लिए थे दही, तो और एक सूजी के हिसाब से और एक आधा दही, यानी दो कप हम लोग सूजी लिए थे तो टोटल हम लोग एक कप का दही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दही तो डाल दी हूँ और यहाँ पे मैं आधा कप चावल का आटा डाल रही हूँ और उसमें डालेंगे आधा कप पानी। और सारे चीज़ को मिला देंगे, अच्छे से मिलाएंगे, जैसे हम लोग एक भी गुटली ना रहे ऐसे ही मिलाना है हमको यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अच्छे से मिला ली हूँ, अच्छे से घोल ली हूँ। और उसको अभी 30 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं, एक ढक्कन लगा देते हैं और 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ लेते हैं उसको, ताकि हमारा सूजी अच्छे से फूल जाए और थोड़ा सा सेट भी हो जाए। जब तक हमारा सूजी सेट हो रहा है तब तक आइए उसके लिए अच्छे से एक चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ग्राइंडर का छोटा वाला जार ली हूँ, उसमें डालेंगे एक बड़ी टेबल स्पून रोस्टेड चना। अब उसमें डालेंगे कटी हुई नारियल। अब उसमें डालेंगे हरी मिर्चें, तीन हरी मिर्चें हैं, एक टुकड़ा अदरक, थोड़ी सी धनिया की पत्ती। अब उसमें डालेंगे जो नारियल का हम लोग नारियल फोड़े थे, नारियल का जो पानी था नारियल पानी, एक बड़ी टेबल स्पून नारियल का पानी डाल देंगे। अब उसको अच्छे से पीस लेंगे, तो मैं पीस के लेके आती और उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के उसको अच्छे से पीस लेंगे। एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप दही। अब उसमें डालेंगे जो हम लोग जो पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे। अब उसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और आधी छोटी चम्मच से भी कम थोड़ा सा चीनी, ताकि सारे मिश्रण अच्छे से बैलेंस हो जाए। मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिला ली हूँ। आइए उसके लिए एक तड़का लगाते हैं। और तड़के के लिए यहाँ पे मैं एक तड़का पैन बिठा दी हूँ, उसमें डालेंगे दो टेबल स्पून तेल
और तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे राई एक छोटी चम्मच और एक छोटी चम्मच से कम थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा राई को थोड़ा सा फटने देते हैं। राई हमारा अच्छे से फट गया है, उसमें डालेंगे लाल मिर्चें ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में उसको काट के रखें, उसको डाल देंगे और थोड़े से कड़ी पत्ता को डाल देंगे और गैस को यहाँ पे बंद कर लेते हैं, नहीं तो हमारा जो लाल मिर्च है वो जल सकता है। तो ऐसे घर में ही उसको अच्छे से तड़कने देते हैं। और यहाँ पे जो रखे थे हमारा व्हाइट सफ़ेद चटनी, उसमें डाल देंगे या नारियल की चटनी को आधा डालेंगे, आधा उसमें रख देंगे। मैं बाद में बताऊँगी इसका क्या करना है। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ और मिला देंगे अच्छे से। और ये हमारा बन गया नारियल का चटनी। तो आइए इडली के देख लेते हैं सूजी हमारा कैसे सेट हुआ है। तो ढक्कन हटा कर देख लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारा सूजी अच्छे से फूल गया है, थोड़ा सा पहले से थिक हो गया है। तो इसमें डालेंगे हम लोग आधा कटोरी पानी, अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैं काट के रखी हूँ बारीक काट के, एक छोटी सी टमाटर को ऐसे बारीक काट के रखी हूँ, उसको डाल देंगे। और यहाँ पे मैं गाजर को भी एक छोटा सा टुकड़ा को यहाँ पे छोटे छोटे पीस में ऐसे काट के रखी हूँ, उसको डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। पर मुझे यहाँ पे यानी डालने से बहुत ही क्रंचीनेस लगता है और थोड़ा सा मॉइस्चर थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, इसलिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। आप गाजर के अलावा आप और भी कई वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि पत्ता को भी, नहीं तो प्याज को भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और मिला देंगे। अब उसमें डालेंगे कटी हुई हरी धनिया और स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिला लेंगे। और अच्छे से मिला ली हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। अब उसमें डालेंगे आधा टीस्पून से भी कम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। बच्चे लोग को कलर दीदा नाश्ता बहुत ही पसंद होता है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे हल्दी थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। और मिला देंगे अच्छे से, इवनली हम लोग को यहाँ पे मिलाना है, ताकि हमारा जो हल्दी का कलर चारों ओर अच्छे से फैले और अच्छे से मैं घुल जाए। और यहाँ पे मैं अच्छे से इवनली सेट कर ली हूँ और घुल ली हूँ। ये देख सकते हैं कि मैं अच्छे से हल्दी को अच्छे से घोल दी हूँ और बढ़िया सा कलर भी आ गया है। अब उसमें डालेंगे एक इनो का सासेस, जो बिना फ्लेवर का एक आता है ना, वो ही मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा इनो डाल देंगे। और इनो डालने के बाद यहाँ पे एक बड़ी टेबल स्पून पानी डाल दे रही हूँ, ताकि अच्छे से फर्स्ट फर्मेंटेशन हो जाए। इनो मिलाने के बाद तुरंत उसको बना ले देना है नाश्ता, ज़्यादा देर उसको नहीं रखना है। तो चलिए शुरू फटाफट से इडली बना लेते हैं। और यहाँ पे हमारा अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे हमारा इडली सांचे को। अब इसमें जो हम लोग इडली बनाने के लिए रखे थे बैटर को डालेंगे। ये देख सकते हैं इडली का कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहना है, तो एक एक चम्मच यहाँ पे डाल देते हैं। और इडली बनाने के लिए मैं यहाँ पे पानी को उबलने दे दी हूँ और यहाँ पे मैं अच्छे से रख दी हूँ और उसको कवर करके अब आंच को हम लोग मीडियम से लो कर देंगे। और मीडियम फ्लेम से हम लोग को 3 से 5 मिनट तक उसको अच्छे से बेक होने देते हैं या सेकने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 से 4 मिनट हो गया है स्टीम होते हुए, तो चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारा नाइफ एकदम क्लियर आया है। तो गैस को बंद कर लेते हैं, ओवर स्टीम नहीं करेंगे और उसको ठंडी होने देते हैं। देख सकते हैं कि हमारा इडली बहुत ही बढ़िया से बना है, प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैं सारी इडली को ऐसे रख दी हूँ,
देख सकते हैं हमारा इडली बहुत ही बढ़िया से बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और उसको सुंदर दिखने के लिए मैं यहाँ पे जो हम लोग बचा के रखे थे तड़के को, उसमें थोड़ा सा पानी हम लोग डालेंगे, करीब 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और थोड़ा सा मिला लेंगे और इसके ऊपर इसे रख देंगे जाएंगे। करना टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं भी कर सकते हैं तो भी हम लोग का इडली बहुत ही सेफ्टी बना है यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया दिख रहा है, आप यहाँ पे फोटो खींच के भी रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इडली के साथ मैं नारियल की चटनी भी सजा दी हूँ। आप देख सकते हैं हमारा इडली और नारियल का चटनी कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया दिख रहा है। आप बनाइए खाइए और आपका ये वाली इडली कैसे बना है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।